नमस्कार, मैं हूं पंडित सुनील भारद्वाज और आप देख रहे हैं एस्ट्रो तक। एस्ट्रो तक में आज हम विषय है हमारा घुटने के दर्द। घुटने के दर्द कैसे निवारण हो, किस प्रकार से इससे छुटकारा मिले, दर्दों से सभी परेशान रहते हैं। घुटने के दर्द के क्या कारण होते हैं और कौन सा ग्रह इसके लिए ऐसा है जो आपकी कुंडली के छठे या आठवें भाव में आकर बैठता है, जो रोग की संभावना और ज़्यादा बढ़ती है। सबसे पहले बात करते हैं इसका कारण क्या है। पहला कारण इसका होता है कि हम अपने शरीर में होने वाले अम्ल को बहुत ज़्यादा बढ़ा लेते हैं। अम्लता जब हमारे शरीर की बढ़ती है हमारे खान पीन की वजह से, तब ये समस्या बहुत ज़्यादा होती है। वात विकार, हमारे यहाँ वात पित्त कफ में वात विकार प्रातःकाल हमारे बहुत ज़्यादा बढ़ा होता है। कहते हैं जिनको ये तकलीफ होती है उनको प्रातःकालिक भोजन करना चाहिए। और घुटने के दर्द की समस्या इतनी हो जाती है कि व्यक्ति इससे दो चार चल नहीं पाता, हर समय आवाज़ आती रहती है, दर्द रहती है, कभी सूज जाते हैं, सर्द मौसम में बहुत ज़्यादा तकलीफ पड़ते हैं। ग्रहों की बात करें तो शनि कहीं ना कहीं इस समस्या का एक बहुत बड़ा कारण है। आपकी कुंडली के छठे भाव में आ जाएं, सूर्य के साथ आ जाएं, चंद्रमा के साथ आ जाएं, मंगल के साथ आ जाएं, या इनकी युक्ति कहीं आपकी कुंडली के लगन भाव में देखने को मिले, सप्तम भाव में भी कभी कभी परेशान करते हैं, महादिशा या अंतरदिशा में आ जाए, साढ़े साथी में आ जाए, तो ऐसी संभावना देखी गई है कि स्पाइनल कॉर्ड के नीचे से पूरी पेल्विस बोन से नीचे तक सारे एरिया में आपके पेन रहने लगा, जिससे घुटने की दर्द आपको बहुत ज़्यादा सता है। आयुर्वेद पद्धति के बाद अगर हम बात करें ज्योतिष में, जैसे हमने बताया आपको कि शनि इसका मुख्य कारण है, यहाँ पर सूर्य संचालन करते हैं हमारी शरीर की हड्डियों को चलाने। जब ये शनि की दृष्टि में आ जाते हैं या सातवीं दृष्टि से आ जाएं, या कहीं इनकी युति बन जाए शनि के साथ, महादिशा अंतरदिशा में कहीं शनि की योग आ जाए ऐसा, तो उस समय भी व्यक्ति को उस समय के लिए घुटने की तकलीफ रहती है। आयुर्वेद में इसको कहा गया है योग की दृष्टि से तो प्राणायाम करना चाहिए। प्राणायाम, प्राणों का आना और जाना, अनुलोम विलोम, कपाल भाती करें, भस्त्रिका करें, ये बहुत सहायक होती है। रोग निवारण में इनके बहुत सहायता मिलती है। घुटने के दर्दों से छुटकारा पाने के लिए व्यक्ति को उत्तर की तरफ पैर कर सोना चाहिए, क्योंकि दक्षिण की तरफ सिर करके सोने से जो मैग्नेटिक फील्ड है, यानी कि जैसे हम कहते हैं मैग्नेटिक फोर्स जो होती है, वो हमारे शरीर को अपनी तरफ खींचती है, क्योंकि बॉडी में कहीं ना कहीं आयरन होते हैं। पैरों की तरफ से अगर आप सिर करके सोएंगे, यानी कि उत्तर की तरफ अगर आप पैर रख के सोएंगे, तो आपको तकलीफ कम होगी। अगर आपने अपना सिर नॉर्थ की तरफ कर दिया तो आपकी रोग निवारण में सहायता नहीं, यानी कि रोग आपका बढ़ता रहेगा। अब यहाँ पर एक और चीज समझने की है, जब हम औषधि सेवन करते हैं या जल सेवन करते हैं, भोजन सेवन करते हैं, तो खड़े होकर जल भोजन सेवन नहीं करना। हम एक बात बिल्कुल वैद्य के रूप से बता सकते हैं कि कोई व्यक्ति चिड़िया के या पशुओं के समान अगर जल पिएगा तो उसको घुटने के रोग होंगे ही नहीं। आप चिड़िया को जल पीते देख लो, चिड़िया कैसे जल पीती है, ऐसे जल पियो, ठंडा पानी छोड़ दो, जठराग्नि में अग्नि चल रही है उसके ऊपर ठंडा पानी डाल दोगे तो वो खाना पकेगा नहीं, सड़ेगा, उससे अम्लता बनेगी, वो धीरे धीरे पूरे शरीर में जाएगी, आपके शरीर के ऑर्गन्स को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। शनि सूर्य की दृष्टि में है, कुंडली के अंदर मंगल अस्त हो गया सूर्य के साथ आकर, तो रोग की संभावना ठीक नहीं होगी। और जब तक वो अंतरदिशा या महादिशा और शनि 19 वर्ष के लिए आ गए, तो फिर तो अगर आपकी 55 में शुरू हुई तो फिर तो बहुत लंबे समय तक आपको पीड़ित करके रखेगा, इससे बचना होगा। आयुर्वेद की एक घरेलू नुस्खा बताते हैं आपको, एप्रिकॉट, अखरोट, अलसी, आंवला, ये इनके सेवन से, इनका अगर आप नियमित रूप से सेवन करते हैं तो आपको घुटने के रोग से बहुत जल्दी छुटकारा मिलता है।
नियमित रूप से प्राणायाम कीजिए, पवन मुक्त आसन कीजिए, त्रिकोण आसन कीजिए, गोमुख आसन कीजिए, ये आपके बहुत सारे रोगों का निवारण भी करता है। साथ में आपने क्या उपाय करना है, 7 शुक्रवार तक 1 सोटी, 1 खड़ाऊं, 1 काली छतरी खरीद लो। 125 ग्राम काले तिल, काले उड़द, सरसों का तेल, ये भी खरीद लो, शुक्रवार को खरीद लो। और शनिवार को दान दे दो, शनिदेव आते हुए नहीं जाते हुए अच्छे लगते, तो शनिदेव को जाने दो, वो घुटनों के बल पे चल के चले जाएंगे। जैसे ही आप ये दान करें, 5, 7, 11 कर दो। अगर आपका दर्द ना जा रहा हो, हम तो कहते हैं 19 कर दो, हर महादिशा को 1 वर्ष दे दो, आप देखोगे कुछ ही दिनों में आपकी औषधि भी लगने लगी और साथ में आपका रोग निवारण भी हुआ। मगर औषधि सेवन करते समय, भोजन सेवन करते समय प्लौथी मारकर यानी कि चौकड़ी मारकर भोजन करें। जल भी सेवन करना हो तो बैठ कर सेवन करें और थोड़ा थोड़ा सिप सिप लेकर सेवन करेंगे तो ये हम वैद्य की दृष्टि से बिल्कुल बता सकते हैं आपको ये रोग ही नहीं होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, आपसे फिर मुलाकात करेंगे एक अगले विषय के साथ, मगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री कृष्ण।